नए साल के जश्न में लोगों द्वारा खजराना गणेश जी की आरती के साथ नए साल का स्वागत किया गया। पाश्चात्य संस्कृति से दूर इन लोगों ने मंदिर में प्रभु की भक्ति कर नए साल का आगाज किया। लोगों का कहना था कि कोई भी नया काम भगवान के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। हुड़दंग से दूर ये नजारा खजराना गणेश मंदिर का है। यहाँ नए साल के जश्न में ना तो डीजे बजा और ना ही नाच गाना हुआ, बल्कि यहाँ प्रभु की भक्ति हुई। नए साल पर एक और जहाँ शहर का बड़ा हिस्सा होटलों और जगह जगह पर नया साल मना रहा था, वहीं कुछ लोग सादगी के साथ भगवान से आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करने पहुंचे। रात 12 बजे भगवान गणेश की विशेष आरती मुख्य पुजारी जयदेव भट्ट महाराज ने की। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं लोगों ने मंदिर में नए साल का आगाज कर भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। कुल मिलाकर शहर में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। किसी ने पाश्चात्य संस्कृति से नया साल मनाया तो किसी ने भगवान से आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत की। नववर्ष का तो हर साल ही उत्साह रहता है हर कोई में, और अभी जो 6-8 महीने जो निकले सबका उत्साह कम हुआ था, है ना। तो अब ये उत्साह जो आध्यात्मिक रूप से जगाने का एक प्रयास होता है। हर साल जो है परंपरागत जो है आरती इसी दिन की जाती है, 31 को जाता हुआ वर्ष है, 1 जनवरी का कल से आने वाली। तो मैं सभी को जो है खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भक्तिमय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जो है बधाई देता हूँ। भगवान बाबा जिस तरह का श्रृंगार हुआ है, क्या कुछ अलग है इस बार श्रृंगार? श्रृंगार गणेश जी तो स्वयं खुद ही अलग अलग होते हैं, खुद ही सजते हैं, इसके अलावा और क्या पूछना चाहेंगे? आज किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है लोगों की? व्यवस्थाओं के बारे में तो व्यवस्थाएं तो जो है पूरी चाक चौकबंद है और 85 कैमरे लगे हुए हैं और पूरा महकमा देख ही रहे हैं आपकी, पूरा पुलिस विभाग पूरा यहाँ पर चौक चौकबंद है। पिछली बार 5 लाख श्रद्धालु आए थे और इस बार भी उतनी ही आने की संभावना है। क्या बैरिकेडिंग कोरोना को देखते हुए किस तरह की गाइडलाइन मंदिर द्वारा जारी? जो कलेक्टर साहब के जो आदेशानुसार जो भी नियम है उनके अनुसार ही दर्शन लाभ ले पाएंगे लोग, और बैरिकेडिंग पूरी व्यवस्थित तरीके से किया गया। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की रात्रि को, वैसे तो अंग्रेजी नववर्ष होता है, पर हम लोगों ने ये परंपरा लगभग 20 वर्ष पूर्व आज से आरंभ की थी। उसके पीछे इसका उद्देश्य ये था कि जो युवा आज नशे में और गलत कृत्यों में की ओर जा रहा है उस तरफ ना जाते हुए उसका नववर्ष जो है मतलब भगवान अपने आराध्य गणपति महाराज के श्री चरणों में आरंभ हो, और वैसे ही उसका पूरा साल भर जो है वो भक्ति भाव से ओत प्रोत होकर के गुजरे। और हर साल जब हमने शुरुआत की थी तो उस समय लगभग हम 30-40-50 लोग रहते थे, आज के दिन में मतलब कम से कम 40-50 हज़ार लोग रात्रि के समय रहते हैं, और ये सिलसिला भक्तों के दर्शन का रात्रि भर चलता रहता है, और 1 तारीख कल तक मतलब कल रात्रि 12 बजे तक लगभग 7-8 लाख लोग दर्शन करेंगे, जैसे कि पिछली बार भी करे थे लोगों ने। कोविड को देखते हुए कोविड के सभी प्रोटोकॉलों का पालन करने के निर्देश माननीय जिलाधीश महोदय ने दिए हैं, और पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद तरीके से अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। मुश्किल टास्क यही है कि इतने लोगों को पालन कराते हुए दर्शन कराना, ये प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी संभव होगा। और नए वर्ष में सबसे कामना, सबके लिए गणपति महाराज से कामना यही करता हूँ, ये जो कोरोना महामारी चल रही है, भगवान श्री गणपति महाराज विघ्न हर्ता का शीघ्र विघ्न करें और लोगों को स्वस्थ और स्वास्थ्य की ओतप्रोत रखें।